नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। जब आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो अपनी ताकत, अपने रसूख से अपने विपक्ष को रौंद देना चाहती हो, और जब आपको उससे हार का सामना करना पड़े तो हार से आप हतोत्साहित होकर डरकर घर नहीं बैठ सकते। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। और मुझे खुशी है कि ये दो चेहरे, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव, कम से कम अपने बयानों के जरिए यह संदेश दे रहे हैं कि वो हारे नहीं हैं। और कम से कम अखिलेश यादव को जिस तरह का जनादेश मिला है ना, वो उनके लिए और समाजवादी पार्टी के लिए एक सुखद संदेश है। क्योंकि हम ये ना भूले दोस्तों कि पिछली बार यानी कि 2017 में अखिलेश यादव के पास महज 50 सीटें थी और अब ढाई गुना बढ़ के 125 के आसपास हो गई है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों अखिलेश यादव ने इस पर क्या बयान दिया है, और ये बयान काफी कुछ कह रहा है, और बाद में आपको मैं प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान भी सुनाऊंगा। उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें ढाई गुनी और मत प्रतिशत डेढ़ गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जारी रहेगा, कहते हैं अखिलेश यादव। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर क्या बयान दिया है, आपके स्क्रीन पर वो बयान। लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेहनत की, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया, लेकिन हम अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक एजेंडे पर चलकर उत्तर प्रदेश की बेहतरी व जनता की भलाई के लिए संघर्षशील विपक्ष का कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती रहेगी। जैसे मैंने कहा ना, आपके सामने जब बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो पूरी तरह से रौंद देना चाहती हो अपने विपक्ष को, तब आपको हौसला दिखाना पड़ेगा। और अखिलेश यादव का बयान उसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक संदेश है ताकि उनका हौसला न गिरे। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं दोस्तों। अब यह सबक है अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती के लिए भी कि अगर आपको बीजेपी को चुनौती देनी है तो आप आखिरी 6 महीने में जमीन में नहीं उतर सकते, आपको 5 साल जनता के मुद्दे उठाने होंगे। अखिलेश यादव ने जोरदार चुनाव लड़ा, उनको प्रतिक्रिया भी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ से बड़ी प्रतिक्रिया मिली जहां तक जो भीड़ आ रही थी उन्हें देखने, मगर वोट्स में वो पूरी तरह से तब्दील नहीं हुई, काफी हद तक तब्दील हुई। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, आपकी ढाई गुना ज्यादा सीटें बनी बढ़ी, और यह बतलाता है कि अखिलेश की ताकत बेतहाशा बढ़ी है। मगर यह तब हुआ जब आप सिर्फ पिछले 6 महीने से राजनीतिक मैदान में थे। आपको चाहिए था कि जब हाथरस की गुड़िया के साथ नाइंसाफी हुई थी तब आप हाथरस जाते, उन्नाव की गुड़िया के साथ जब नाइंसाफी हुई थी तब आप उन्नाव जाते, जब गंगा में लाशें बह रही थी तब आप जमीन पर दिखाई देते, कोरोना काल के दौरान आप जमीन पर दिखाई देते, लोगों की समस्याओं को उनके साथ बांटते, मगर आप नदारद रहे। आपको जो 125 सीटें मिली हैं, इसे वाकई जनता का प्यार समझना पड़ेगा। और खासकर इसलिए भी कि आने वाले दिन विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की निगाह 2024 पर है, वो चाहेगी कि विपक्ष किसी भी सूरत में उसे चुनौती ना दे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है तो आपके स्क्रीन पर यह है पल्लवी पटेल। सिराथू से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को 7,000 मतों से हराया। ये जो आप ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये इन्हें बेरहमी से इनकी पिटाई की गई है। मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्यूब और फेसबुक जैसे ही खून देखता है उस वीडियो पर अंकुश लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि ये लोग केशव प्रसाद मौर्य को हराना चाहते थे।
आखिरी लम्हे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। यह तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर जीत से पहले एक तो काफी अरसे तक पल्लवी पटेल को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, काफी अरसे तक दोस्तों, और पहले तो सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और फिर भाजपा के कार्यकर्ता इस तरह से उत्पात मचाते रहे। यह बतलाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुकाबला करीबी होता ना तो यह नजारा सिर्फ सिराथू में नहीं होता, यह नजारा कई ईवीएम काउंटिंग सेंटर्स में होता, सिर्फ एक जगह पर नहीं। और मैं आपको एक और तस्वीर बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह हिंसा एक अपवाद है, आप जानते हैं लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी सभी सीट्स जीत गई है। वो लखीमपुर खीरी जहां यह हादसा हुआ था, जहां मोदी सरकार के एक मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था और उस मामले में वो एक आरोपी है। आप जानते हैं कल क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी कल अपनी विजय यात्रा निकाल रही थी और इस विजय यात्रा में उन्होंने किसान पर निशाना साधा, वो किसान जो कि लखीमपुर खीरी मामले में आई विटनेस है, प्रत्यक्ष गवाह है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, और मैं फिर आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग खून देखें। हिंसा से जुड़ी तस्वीरों को दिखाना मैं नहीं चाहता हूं, और आप जानते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब भी ऐसी तस्वीरों पर अंकुश लगा देता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, चुनाव में थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, और बड़ा दिल दिखाना तो बहुत दूर की बात है इस तरह की हिंसा की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का अंदाज़े बयां बदलने वाला है, इसलिए अखिलेश यादव के सामने बहुत कठिन चुनौती है। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि बतौर राजनेता वो एक आंशिक राजनेता नहीं बन सकते, अक्सर एक प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, शर्तें लागू, आप शर्तें लागू वाला राजनेता नहीं बन सकते अखिलेश यादव। आपको रोज जनता के मुद्दों के साथ सामने आना पड़ेगा, जनता ने बड़ी तादाद में आप पर विश्वास जतलाया दोस्तों। और आप जानते हैं सबसे खुशी की बात यह है कि मुजफ्फरनगर दंगों में जो किरदार निभाने वाले तीन नेता थे, उन तीनों को हार का सामना करना पड़ा है। आपके स्क्रीन्स पर सुरेश राणा चुनाव हार गए, संगीत सोम चुनाव हार गए, उमेश मलिक ये भी चुनाव हार गए। ये तीनों एक किरदार निभा रहे थे मुजफ्फरनगर दंगों में, और इन्हें जब योगी की सरकार आई थी 2017 में तो तमाम आरोपों से मुक्त करा दिया गया था, मगर किसानों ने उन्हें जो है सजा दी और सबक सिखाई, जनता ने उन्हें सबक सिखाया। मुझे लगता है कि ये इन चुनावों का एक सुखद पहलू जरूर है, मगर यकीनन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का प्रदर्शन रालोद यानी जयंत चौधरी की पार्टी को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, नतीजा आपके सामने है। मगर इस तरह की खबरें यह बतलाती हैं कि जनता ने नफरत को हराया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जनता इसी तरह का प्रमाण देती रहेगी। मगर जैसे मैंने बताया ना, यह लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत लंबी है, और चूंकि 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तेवर और भी ज्यादा उग्र होने वाले हैं। साम दाम दंड भेद से वो अपने विपक्ष को टारगेट करेगा, अखिलेश यादव को तैयार रहना होगा गिरफ्तारी देने के लिए भी अगर वो वाकई जनता के नुमाइंदे बनना चाहते हैं। उन 125 सीटों की जनता ही नहीं बल्कि जो बाकी सीटें हैं जहां उन्हें सफलता नहीं मिली उनकी नुमाइंदगी भी आपको करना पड़ेगा, एक मुखर और एक मजबूत राजनेता की तरह जो जमीन पर काम करता है। बोल के अब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अब विसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।